दोस्तों आज की कहानी है, बेटियां ही नहीं बहुएं भी बीमार होती हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वहाँ कितना सुहाना मौसम हो रखा है भाभी, आज तो पुराना किला देखने जरूर चलेंगे, सुहानी की ननद रिम जिम ने अपनी भाभी से कहा। सुहानी 3 दिन से थोड़ी सी बीमार चल रही थी, उसका जाने का मन नहीं था, पर ननद रानी को भी नाराज नहीं कर सकती थी क्योंकि 2 दिन बाद उसको ससुराल जाना था, इसलिए सुहानी ने हाँ कर दी। ननद भाभी दोनों पुराना किला देखने जाने लगी। तभी सुहानी की सास ने रिमझिम को हिदायत दी कि देख रिमझिम, बारिश का मौसम है, ध्यान से जाना बेटा, भीग मत जाना, भीग गई तो बीमार हो जाएगी। कितनी नाजुक सी तो है तू, सुई मुई सी है मेरी लाडो बेटी, और ये स्नैक्स और पानी की बोतल का बैग तूने क्यों पकड़ रखा है, अपनी भाभी को दे दे, इतना भारी सामान लेकर तू कैसे चलेगी सीढ़ियों पर। रिमझिम बोली, अरे माँ भारी कहाँ है, मैं पकड़ लूंगी आराम से। माँ बोली, अरे बेटा तू थक जाएगी। सुहानी ने मन में सोचा, थक तो मैं भी जाऊंगी, ऊपर से तबीयत और खराब है। सुहानी को सासू माँ ने हिदायत दी कि पुराना किला देखने के अलावा और कहीं मत जाना, दोनों जल्दी घर आ जाना, और सुहानी तुझे वापस आकर खाना भी बनाना है रात का, इसलिए थोड़ा जल्दी करना। सुहानी की तो पहले से ही बेसारी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। सुहानी सोचने लगी कि आज तो कहीं तबीयत ज्यादा नहीं खराब हो जाए, कैसे संभालूंगी कि इतना सब कुछ, घर आकर खाने की भी तैयारी करनी है, लौटते लौटते शाम हो जाएगी। ये सब सोचते हुए दोनों ननद भाभी पुराना किला देखने निकल पड़े। मौसम सच में बहुत सुहाना था, पुराने किले से शहर की पूरी रौनक दिख रही थी, हरियाली थी चारों तरफ, बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा था। रिमझिम बहुत खुश हो रही थी ये सब देखकर। रिमझिम को खुश देखकर सुहानी को भी अच्छा लगा। सुहानी ने सोचा, अगर मैं मना करती तो रिमझिम का इस बार भी पुराना किला देखना रह जाता, अच्छा हुआ आ गई। दोनों ननद भाभी ने खूब निहारा इस खूबसूरती को। सुहानी बोली, अब चलते हैं रिमझिम, कहीं बारिश नहीं आ जाए। रिमझिम भी बोली, हाँ भाभी अब चल लेते हैं। दोनों ने आधा रास्ता ही तय किया था कि बीच में बारिश होना शुरू हो गई, दोनों भीग गई। बीच में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां रुक जाए और बारिश से बच जाए, नीचे उतरने तक दोनों भीग गई। सुहानी के तो सर्दी के कारण कप कपाहट शुरू हो गई, तो रिमझिम का सेंकों के मारे बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे करके दोनों घर पहुंची। जैसे ही घर में घुसी, सुहाने की सास ने रिमझिम को जल्दी से तौलिया लाकर दिया और कपड़े बदलने के लिए भेज दिया, और सुहानी को बोल कि तू जल्दी से अदरक वाली चाय बना। सुहानी तो खुद बेचारी सहा रही थी कि कोई उसको चाय पिला दे, पर जैसे तैसे करके कपड़े चेंज किए और चाय बनाने चली गई। रसोई में चाय बनाकर सबको दी और खुद की चाय अपने कमरे में लेकर चली गई। तबीयत खराब सी लग रही थी, हाथ पैर टूट रहे थे, जैसे बुखार सा हो, चाय पीकर सो गई। थोड़ी देर बाद में सुहानी का पति राजीव घर आता है, माँ को बोलता है, आज तो बहुत सुहाना मौसम,
हो रखा है मासाई और पकोड़े खाने का मन हो रहा है। सुहानी कहाँ है माँ? माँ बोलती है आज दोनों ननद भाभी पुराना किला देखने गई थी, आई हैं अभी थोड़ी देर पहले। रिम जिम के तो बारिश में भीगने से सर्दी हो गई, सेक ही सेक आ रही है। और ये सुहानी पता नहीं कमरे में क्या कर रही है, साय लेकर गई थी, अभी तक बाहर नहीं आई। तू जा और उसको बोल साय पकौड़े के लिए और रात के खाने की भी तैयारी करनी है। राजीव कमरे में जाता है और सुहानी को यूं सोता हुआ देखकर बोलता है कि शाम के टाइम क्या सो रही हो, चलो उठो साय पकौड़े बनाओ। सुहानी जो अभी तक शांत थी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, अचानक से गुस्से में आ जाती है और बोलती है मैं आराम करने के लिए नहीं लेटी हूँ, मैं भी रिमझिम के साथ बारिश में भीगी हूँ। रिमझिम तो बारिश में भीगते ही बीमार हो गई, और जो मैं पहले से बीमार थी वहाँ क्या बारिश में भीगने से सही होगी। बहू हूँ मैं, कोई सीमेंट की दीवार नहीं हूँ जिसके सर्दी गर्मी बारिश के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुमको भी पता है। राजीव मैं 2-3 दिन से तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, पर काम करती रहती हूँ, तुम ध्यान ही नहीं दोगे, नहीं होगा मुझसे आज का काम। जिसको साय पकोड़े खाने वह बना लो अपने आप, एक सीमेंट की दीवार ही बनाकर रख दिया। सचमुच तुमने तो मुझको जिसका किसी भी हालात में कुछ फर्क ही नहीं पड़े, फर्क पड़ता है हमको भी, बेटियां ही नहीं बहुए भी बीमार होती हैं। बेटियों की तकलीफ फटाफट नजर आ जाती है और बहू कमरे में ड्रामा कर रही होगी, अगर तकलीफ में लेटी हो तो यही कहा जाता है हम भी तो किसी की बेटी हैं। राजीव बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बीमार हो, तुम काम करती रहती हो तो लगता है सही होगी तुम, चलो अब आराम करो, सही है तुम्हारी बातें, प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। तभी रिमझिम और माँ भी कमरे में आ जाते हैं। सुहानी की तेज आवाज सुनकर रिमझिम बोलती है सही तो बोल रही है भाभी, अगर मेरे ससुराल में भी मुझसे ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो मैं भी शायद ऐसे ही बोलूंगी। माँ भाभी की तकलीफ भी देखा करो, वह बार बार बोलती नहीं कि मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह सही है। कभी कभी तो आप खुद ही महसूस कर लिया करो, जैसे आप मेरी तकलीफ देखकर समझ जाते हो कि मैं बीमार हूँ, वैसे ही भाभी की तकलीफ देखकर भी समझ जाया करो। भाभी आप सीमेंट की दीवार नहीं है, मेरे जैसी एक लड़की हो। माँ कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कमरे में से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद आती हैं और एक गिलास में काढ़ा लेकर और सुहानी को पीने के लिए देती हैं और बोलती हैं इसको पी ले बेटा, सुहानी और जो कभी तक हुआ उसके लिए सॉरी। बेटा पता नहीं क्यों ये सासपना अपनापन भुला देता है। बेटा अपनी बहू को लेकर पर अब से कोशिश करूंगी कि तुम्हें इतना अपनापन दूं कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हारे बोले बिना ही मुझे नजर आ जाए। राजीव माँ को सेड़ते हुए बोलता है आज आपकी बहू बहुत तकलीफ मैं है माँ, तो अब शाम का खाना। तभी माँ बीच में बोलती हैं तू है ना बनाने के लिए, आज माँ बेटा साथ में खाना बनाएंगे और अपनी बहू को खिलाएंगे। सुहानी को आराम करने का बोलकर सब खाना बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं और सुहानी आराम से आज आराम कर पा रही हैं बिना किसी काम की चिंता के। बहुत से घरों में देखा जाता है कि बहू की तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती और बेटी के थोड़ा सा बीमार पड़ते पूरा घर परेशान हो जाता है। बहू की बीमारी को ड्रामे का नाम दिया जाता है। बहू भी आखिर किसी की बेटी होती है, बहू कोई सीमेंट की दीवार नहीं होती, उसको भी फर्क पड़ता है।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।